यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में बताया था, हाँ जी जिसमें आपने सीखा था ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसमें कोई डाउट है तो बताइए, मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज आगे चलते हैं। नहीं, इसमें समझ में आ गया, मैंने एक बार करके देख लिया था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ जी इसमें आपके बाकी जो है टॉप बॉटम, टॉप बॉटम क्या करता है कि जैसे कि कोई भी वैल्यू है आपकी, अब यहां हाँ पे मैं नंबर्स दे दिए, मान लीजिए कुछ, मुझे इसमें से टॉप 10 को हाईलाइट करना है। हाँ जी टॉप 10 को हाईलाइट करना सर, मेरे पास आपकी कोई वो नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही स्क्रीन, स्क्रीन पे आप अभी? जो लिख रहे हो ना वो एक्सेल स्क्रीन नहीं आ रही आपको? एक्सेल स्क्रीन है, बाकी वो इस पे आप जो टाइप करो वो मेंशन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ये सेल्स नहीं लिखा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ अब दिखा, मैम इंटरनेट ठीक है आपका ठीक थोड़ा सा है। स्लो चल रहा है, कल भी यही प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को रिड्यूस करता हूँ। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि हमने कॉलन ए में हमने कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, और मुझे इसके जो टॉप 10 है उसको हाईलाइट करना है। टॉप के मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू, उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। ओके तो हाँ जी इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम जैसे बताया था कि हम कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें उसकी सिलेक्शन करनी होती है, तो हम सिलेक्शन करेंगे एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट टूल के नीचे आपको दिखेगा टू टॉप बॉटम, इस टॉप बॉटम में आपको टॉप 10 आपको दिख रहा होगा, टॉप 10 आइटम, टॉप 10 परसेंटेज। तो जैसे आप टॉप बॉटम रूल्स तो में क्लिक करेंगे, टॉप बॉटम रूल्स दिखा आपको, अभी अब दिखा। तो उसमें टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं टॉप 10 आइटम पे क्लिक करूंगा, मैंने कुछ आप डाउनलोडिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो ना? कोई इंटरनेट से चलने वाला एप्लीकेशन तो नहीं खोल रखे हैं? नहीं, कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है। बस मैं वही इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, आपका स्पीड स्लो है, एमटीएस यूज कर रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ, इसलिए एमटीएस, रिलायंस, ये सब जो है ना, स्पीड जो है ना फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम हो जाता है, स्टेबल्स नहीं होती है उसके लिए नेटवर्क। तो यहाँ हाँ वही आपको, पहले। हाँ यहाँ पे आपके टॉप 10 में जो आपका 10 दिख रहा है ना, हाँ ये आपका यहाँ पे आप टॉप 10, टॉप 5 और बाकी चीजें आप यूज कर सकते हो। जो भी टॉप 10 है तो आप टॉप 10 ही कर पाओगे, टॉप 5, टॉप 20, जो भी नंबर डालोगे वो पोजीशन के हिसाब से जो हाईएस्ट वैल्यू है, टॉप 10 आपने किया था 90, फिर 90 से जो नीचे होगा, कुछ से जो नीचे होगा, ऐसे उसको हाईलाइट कर दिया। ओके सर। एंड जैसे मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे कलर है, फॉर्मेटिंग आपको दिख रही है? सर नहीं दिख रही है कुछ भी। मैम फिर आप डेस्कटॉप वर्जन पे क्यों नहीं किया लॉगिन आपने? फिर वेब वर्जन पे किया आपने, वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उस पर क्यों नहीं किया आपने? एक मिनट होल्ड करो, आप सही बोल रहे हो, आप मेरा ना दिमाग से उतर गया। वो कौन सा था? गो टू मीटिंग, हाँ मैं उस पे, आप 5 मिनट, 2 मिनट दोगे क्या? मैं उस पे लॉगिन हो जाऊँ? ठीक। ओके तो टॉप 10 हाईलाइट करने के लिए हमने बताया था कि हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि हमने कल पढ़ा था, उसमें आपके टॉप बॉटम मतलब कि दूसरा जो नंबर आपका है वो आपका टॉप बॉटम का आता है। हाँ जी तो टॉप बॉटम में जैसे आप कर्सर ले जाएंगे तो साइड में ड्रॉप डाउन बन के आता है, टॉप 10, टॉप 10 परसेंटेज, बॉटम 10, बॉटम 10% अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो इसमें अगर हाँ हम जी टॉप 10 को सिलेक्ट करते हैं
तो एक और पॉपअप खुल के आएगा आपको। पॉपअप में पहला जो आप आएगा जो बाय डिफॉल्ट उस पर 10 लिखा होगा, ओके और दूसरे में जो कलरिंग होता है वो तो होता ही है, जहां सब कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कस्टमर सेलेक्ट कर सको आप कस्टमर कमिटी वगैरह। तो टॉप हाँ टेन हाँ में जरूरत नहीं है कि आप टॉप 10 को ही हाईलाइट करोगे, वो जो 10 लिखा हुआ है उस नंबर को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो रिक्वायरमेंट है आपकी, टॉप 10, टॉप 13, टॉप 15, जो भी आप चेंज करना चाह इस 10 वैल्यू को चेंज कर सकते हो, और जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए ऐसा फॉर्मेट को चेंज कर सकते। बस ये टॉप 10 क्यों लिखा है, मतलब टॉप क्या टेन 10 तक तक की बत... नहीं, टॉप 10 एक नाम हो गया ना। हाँ वो तो है, बट टॉप 10 बाय का नाम का मतलब डिफॉल्ट क्या कि अच्छा डिफॉल्ट 10 आता है, 10 के अलावा आप चेंज कर सकते हो। उसे अगर नीचे करेंगे, अगर 9 और 8 करेंगे तो वो नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सारा आएगा। तो 10 का मतलब पर्टिकुलर क्या है यहाँ पे, इंडिकेशन 10 का मतलब क्या? प्रोग्रामर ने टॉप 10 नाम रख दिया है, लेकिन टॉप 10 ही नहीं, टॉप 5, टॉप 3, टॉप 9, टॉप 100, टॉप 1000 सब दिखाता है। ओके जैसे हो गया टूथपेस्ट को हम कॉलगेट करते हैं, जो भी कॉलगेट ही होता है वो तो पेप्सोडेंट भी होता है, क्लोजअप भी होता है, लेकिन एक आम भाषा हो गया कॉलगेट, उसी उसी तरह समझ लीजिए ना कि टॉप 10 नाम हो गया, लेकिन वो ओके सब करता है। उसके बाद टॉप 10 के बाद आपके पास बॉटम 10 है सेम, तो ये नीचे से शुरू करता है बॉटम बॉटम से, और ये भी सेम आपको परसेंटेज सॉरी क्या बोलते हैं 5, 3, 2 को भी नंबर आप दे सकते हो, और लगाने का तरीका भी सेम जस्ट लाइक टॉप 10 की तरह ही होता है, जैसे आपका टॉप 10। सर, इसका यूज कहाँ है? टॉप 10 का मतलब का यूज कहाँ करेंगे हम? इसका यूज जैसे कि हम लोग करते हैं पे जब हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा आया हुआ है, सेल्स का डेटा आया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको मैं पहले बताया था कि हम पहले जिस चीज को समझिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो इस्तेमाल हम करते हैं ना वो हाईलाइट के लिए करते हैं। पहले इस बात को एक बार आप समझ हाँ लीजिए कि हम अपने डेटा को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें हाईलाइट जब हम इसको करेंगे तो क्यों करते हैं हाईलाइट? जब हमें कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए होती है, मतलब नहीं, हाईलाइट इसलिए करते हैं, जैसे मैं कल ही बताया था आपको, जैसे बुक आपका आपने बुक में कोई पर्टिकुलर पेज को हाईलाइट कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढना ना पड़े। हाँ तो उसी तरह से हम जब डेटा का मतलब किसी को हमने भेजा और मैं चाहता हूं कि उसको सबसे पहले टॉप 10 ही दिखे या बॉटम 10 ही दिखे, मान लो कि किसी को अगर आपने गेनर रिपोर्ट भेजा है, मतलब कि गेन रिपोर्ट हो जाए कि हाँ किस किस किसने इस सेल को गेन किया है, तो उसमें सबसे अच्छा क्या होगा कि टॉप 10 दिखाओगे सबसे अच्छा है, टॉप 5 दिखाओगे जो गेन किए हैं, जो हाइएस्ट सेल किया है उन्होंने, तो उस केस में इसका यूज करेंगे हम। तो ताकि जो सामने वाला बंदा है जो इस रिपोर्ट को देख रहा है उसको सबसे पहले जो चीज आप दिखाना चाहते हो ना उस केस में हम लगाते हैं हाईलाइट, और उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, समझ गए। हाँ जी इसलिए हम सिर्फ इसकी बात नहीं करते, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई भी चीज अप्लाई करते हो ना तो उसका एक ही मकसद होता है आपके डेटा को उस कंडीशन पे हाईलाइट कर देना, ताकि कोई भी पर्सन इस रिपोर्ट को देखेगा तो सबसे पहले उसको वही दिखे, ओके उसका एक ही पर्पस होता है। ठीक है सर। समझ गए। हाँ जी हाँ जी चलिए, तो टॉप 10 एंड बॉटम 10 इस किस के इस्तेमाल होता है, लेकिन एक आपके पास यहां पे एक आता है परसेंट, टॉप 10 परसेंटेज बॉटम 10 परसेंटेज, तो इसको ओके समझने के लिए आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला समझना होगा, जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जिसको मैं समझा दूंगा। सर, एक चीज बताइए, जो टॉप 10 और बॉटम 10 है, बॉटम 10 यूज करेंगे तो नीचे से वो लेगा? माने कि समझने के आपके सेल्स है उसमें लूजर और गेनर रिपोर्ट निकालना है,
जो सबसे हाईएस्ट किया है टॉप 10 वो गेनर है, मतलब कि वो टॉपर है, और ओके सबसे कम जो किया है नीचे से 10 रन उठाएंगे वो आपके लूजर्स हैं। तो वो बॉटम से यूज करेंगे। हाँ, उसके बॉटम यूज करेंगे। अच्छा, अगर हायर को अगर चूज करना है तो टॉप का यूज करेंगे, और लूजर को यूज करना है तो बॉटम का यूज करेंगे। हाँ, सिंपल। अब बात करते हैं अबव एवरेज, एक नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा अबव एवरेज। हाँ, ये परसेंटेज वाला कैसे निकालेंगे? परसेंटेज वो परसेंटाइल के फॉर्मूले के ऊपर होता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब सबसे पहले परसेंटाइल का फॉर्मूला समझना होगा, जब फॉर्मूला समझा दूंगा तो समझिएगा, ठीक है, फिलहाल इस पर स्किप कर दीजिए। ओके ठीक हालांकि इसका यूज खास है। यूज नहीं होता है मार्केट में, मैंने आपकी लाइफ अभी तक इसको यूज किया नहीं है, लेकिन मैं उसको बता दूंगा आपको इसका बेनिफिट क्या है और क्या यूज होता है, ओके ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हाँ। हैं, जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अबव एवरेज। अबव एवरेज में क्या होता है, इस चीज को देखिए एक बार, कि सबसे पहले बताइए कि हाँ जी। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई टारगेट फिक्स है तो आप ये करते हैं, मतलब कि बता देते हैं कि हाँ अच्छा सेल है बुरा सेल है, कोई एक सेल मान लीजिए है उसमें आपको एक टारगेट है उसका, तो अगर कोई टारगेट फिक्स है तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसका सेल इतना है। लेकिन अगर किसी चीज का कोई टारगेट फिक्स ना हो तो कैसे बताओगे? एक एवरेज निकाल लेंगे अगर टारगेट फिक्स नहीं है तो। हाँ, मतलब हुआ ना कि एक स्कूल है, अब स्कूल में पहले फर्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम था, तो आप बोले ठीक है ग्रेड बी वाले और ग्रेड ए वाले जो है वो अच्छे, लेकिन कौन कौन से बहुत अच्छे हैं कौन कौन से बहुत खराब हैं ये कैसे पता चले? तब उसका एक एवरेज आइडिया निकालें, हाँ एवरेज के तो अकॉर्डिंग हाँ एक हाँ लमसम हाँ उसमें निकालें। क्या करेंगे कि भाई एवरेज उसका निकालेंगे, जो एवरेज से ऊपर है वो अच्छा है, एवरेज से नीचे है वो सही है। तो अबव एवरेज यही करता है कि जो सिलेक्टेड डेटा है उस सिलेक्टेड डेटा का जो एवरेज है, जैसे 50 एवरेज है तो 50 से जो ऊपर है उसको हाईलाइट कर देगा, और जैसे अब नंबर चेंज करेंगे एवरेज चेंज होगा तो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगा। जैसे लास्ट क्लास बताया था आपको कि अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग आप लगाते हो तो ये अपने आप को चेंज करता है, तो ये भी अपने आप को चेंज कर देता सर इसमें तो केवल फील करने के लिए, इसमें तो कहीं मेंशन नहीं है कोई डेटा वोटा मेंशन करने के लिए। है। नहीं, क्यों, अबव एवरेज हो गया ना, तो कंडीशन एवरेज हो गया ना, एवरेज तो निकालेगा खुद ब खुद ना वो बैकएंड में। नहीं तो ये जैसे इसे अगर हम एवव एवरेज लगाते हैं तो इसे कैसे पता कि हमें 50 से एवव लेना, हम 21 भी तो ले सकते हैं, 20 से ऊपर भी तो ले सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता लमसम मतलब है? मैं अप्रोक्सीमेटली, मतलब लमसम मेरे कहने का मतलब ये। लमसम नहीं होता है, बताता हूँ आपको। अब मान लीजिए कि आप डेली जाते हैं ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो आपका ठीक है। कन्वेंस किराया का खर्चा होता है, तो किसी दिन आपको कोई डीटीसी बस मिल जाती है तो आप 15 रुपए में चले जाते हो, किसी दिन आपको ऑटो से जाना होता है तो 100 रुपए लग जाते हैं। हाँ जी। अब आपको बॉस आपसे पूछेगा कि आप बताओ कि तुम्हें हम कन्वेंस पे कर रहे हैं तो तुम्हारा खर्चा कितना हो जाता है ताकि हम तुमको कन्वेंस दें, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप डीटीसी बस के हिसाब से जोड़ोगे या ऑटो के हिसाब से जोड़ोगे? ऑटो के हिसाब से नहीं, ऑटो के हिसाब से नहीं, तो बॉस पूछेगा ना कि तुम डेली ऑटो से क्यों आ रहे हो, तुम बस से भी तो आ सकती हो क्या? तो आप उसमें क्या होगा कि हाँ आप डेली का 1 महीने का खर्चा दिखाओगे कि बॉस मैं इस महीने 15 दिन, मैं 15 दिन मैं बस से आई थी, बस मिल गया था मुझे 15 दिन, और मुझे 15 दिन जो है या 10 दिन जो है मुझे ऑटो करने पड़े, 10 दिन हमारा ऑटो नहीं मिला था, ठीक है, तो टोटल टोटल जो है ए हुआ 1225। तो बॉस देखेगा कि एवरेज मतलब एक दिन का इसका कितना कन्वेंस लगता है, तो वो इसको डिवाइड कर देगा 25 से, तो 49 रुपए आपको एक दिन में खर्चा होता है। अब जरूरी नहीं कि 49 दिन ही खर्चा हो, लेकिन हमने लमसम खर्चा निकाला हुआ। अगर इसको आप अलग तरीके से समझो
आप कॉलेज लाइफ याद करो अपनी, आपके डैड आपको पॉकेट मनी देते थे, तो डैड के पास, मेरे भी डैड देते थे पॉकेट मनी, तो क्या होता था कि उनके पास अगर 50 का नोट रहता, कभी 50 का नोट देते थे, कभी उनके पास 20 रुपए पड़े होते थे 20 रुपए, कभी उनके पास 100 होता था 100 देते थे। अब एक दिन इसी बात ने क्या हुआ कि मुझे 20 रुपए दे देते, बोला कि डैड इतना में नहीं होगा पॉकेट मनी। तो डैड ने बोला कि कितना तुम पैसा खर्चा कर दो यार, एक बार फिक्स कर लो डेली का और मिलो। अब मैं उनको बोलूंगा कि पापा मुझे 3000 रुपए दे, पापा 3000 तुम महीने में खर्च करोगे पॉकेट मनी, एक जवाब हो जाएगा ना। तो उनको अगर हम कोई प्रपोजल, ये क्या हो गया कि हम अपने डैड को प्रपोजल दे रहे हैं पॉकेट मनी का, जैसे कि आप अपने बॉस को कुछ देते हैं, तो एक बैकर में सपोर्ट करना पड़ेगा ना, ताकि वो बिलीव करे कि हाँ 3000 इज द एक्चुअल एक्सपेंस। तो हमने डैड को बताया कि डैड आपने जो है कभी 50 रुपए दिए, कभी 20 रुपए दिए, कभी 100 रुपए दिए, पिछले 6 महीने में आप मुझे पैसा दे रहे हो, तो महीने के हिसाब से जो है हमारा जो है 3000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो आप जो है 120 रुपए डेली करके आप मुझे 3000 रुपए दे देते। तो 3000 रुपए को अगर मैं डिवाइड करूं 30 से, तो हमारा 100 रुपीज जो है, सॉरी 100 रुपीज हमारा पर डे का बन रहा है, तो 30 30 रुपीज जो है पर डे का, 100 रुपीज पर डे का हमारा बन रहा है, तो आप मुझे डिवाइड बाय 30, हाँ, तो 30 रुपीज हमारा 100 रुपीज बन रहा है। तो उनके पास सपोर्ट है कि हाँ यार दिस इज अ गुड एक्चुअल, हाँ खर्च इतना है, तो हमने 100 रुपीज क्या निकाला, एवरेज निकाला, औसतन। हाँ जी, तो एवरेज का कंपनी होता है कि सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू, समझे, कि मुझे 50 रुपए 20 रुपए 100 रुपए करके पापा ने मुझे 30 दिन दिए, इसका टोटल 3000 हो रहा है, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू, समझे। हाँ जी, हमने आपके सामने किया ना कि 30 रुपीज 3000 रुपीज मुझे 30 दिनों में मिले डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में, कभी 100 कभी 200 कभी 20 कभी 50। हाँ, तो उनके पर डे हमारा कितना खर्चा हुआ, तो पर डे हमारा औसतन 100 रुपीज हुआ, क्योंकि इस 3000 रुपए को 30 दिन में खर्च किया है। हाँ जी, तो एवरेज ऑटोमेटिक निकालता है, जब ये सेम थिंग जब हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे अबव एवरेज खुद इस डेटा को कैलकुलेट करेगा, मतलब कि पहले वो सम करेगा और डिवाइड करेगा, सम करेगा इसकी टोटल वैल्यू को, डिवाइड करेगा इसके काउंट से, नंबर से, टोटल ऑफ नंबर से। ओके, तो इसमें हमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एवरेज है। हाँ, मैनुअली आप डालोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे एवरेज हो गया, मतलब कि अगर डेटा चेंज होता है तो एवरेज चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा तो अपने आप को चेंज कर लेगा। हाँ जी, समझ गए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 कर दिया, तो 500 से एवरेज चेंज हुआ, तो जहां जहां एवरेज की इफेक्ट हुआ है वो सारा चेंज हो गया, ठीक है। तो अबव एवरेज एंड सेम बिलो एवरेज, आपका एवरेज से छोटा एंड अबव एवरेज एवरेज से बड़ा होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीजें कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमारा बेंच मार्क डिफाइन नहीं होता है कि हाँ कि इतना से ऊपर अच्छा, इतना से बेंच मार्क, मतलब एक नंबर डिसाइड नहीं है कि इतना से ऊपर ठीक है, इतना से नीचे कम है, खराब है, अच्छा, तो वहां पे हम एवरेज लेके चलते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशंस, कि आपके सामने एक वैल्यू है, आप देख रहे हैं आपके सामने एक डेटा लिस्ट है, अब मुझे ही पता करना है जो 36 है
ये हाईएस्ट में है या मिडल में है या लोएस्ट में है ओवरऑल डेटा डेटा से, हाँ जी समझे? मैं यहाँ पर कुछ नाम भी दे देता हाँ हूँ, जी तो हाईएस्ट में है या लोएस्ट में है मिड में मुझे पता करना है। तो इसके लिए मुझे रैंकिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस जाएगा रैंकिंग इस्तेमाल करना। तो इसमें हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारे पास होता है डेटा वर्क। डेटा वर्क क्या करता है, ये बार क्रिएट करता है चार्ट की तरह से, कि इस पूरे कॉलम में उसका जो नंबर डला हुआ है उस नंबर का क्या पोजीशन है उसके हिसाब से उतना बड़ा बार बना देता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई आसान हो जाता है कि हाँ इसमें ये नंबर 87 है ये हाईएस्ट है क्योंकि इसका बार पूरा फिल है, 10 लोएस्ट है क्योंकि इसका बार बहुत छोटा है। इसका भी यूज आप रिपोर्ट्स में आप कर सकते हो, या फिर उस डेटा पे जहां पे आप कंपेयरिंग कर रहे हैं चार्ट में लगा सकते हो, क्योंकि ये डेटा बहुत बड़ा है इसकी कंपेयरिंग में चार्ट पे नहीं लगा सकता, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ट और बार कोड में क्या डिफरेंस है? चार्ट अलग हो गई, चार्ट हो गया कि आप इस डेटा को एक अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो इस तरह से, ये चार्ट हो ठीक है। और इस ये क्या हो गया कि ये सेल के लिए वर्क है, तो इसमें ये क्या है कि आप इतना बड़ा डेटा पे अगर चार्ट इस्तेमाल करोगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा, हाँ समझ आ रहा है कौन किसका है, जी क्योंकि चार्ट समरी के लिए यूज होता है, मैं छोटी डेटा के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपको कंपेयरिंग करना है कि मुझे पता करना है यार कि मैं एक वैल्यू देखूं और मुझे पता चल जाए कि 23 क्या है, मिडल है अपर है लोअर है, तो उसके लिए हम डेटा वाले यूज करते हैं, हाँ जी अच्छा ठीक है। इसको अलग हाँ समझो, जी जैसे मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, तो जैसे जैसे डेटा आपका बढ़ता है उससे बार अपने आप को बढ़ाता और घटाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ये देखिए ठीक है। हाँ जी अब बात करते हैं डेटा वार के नीचे कलर स्केल, एक कलर स्केल हमारे पास आता है। डेटा वार के जस्ट नीचे आप देखेंगे एक आपका कलर स्केल होता है। अब कलर हाँ स्केल में जी क्या होता है कि ये आपको जस्ट लाइक डेटा वार की तरह वर्क करता है, लेकिन एक कलर का शेड बनाता है कि लोअर है तो रेड, मिडल है तो ग्रीन और अपर है तो मिडल है तो येलो, अपर है तो ग्रीन। तो हाँ जी आप इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है ओके क्योंकि डेटा बार इससे ज्यादा कम इफेक्टिव है और ज्यादा समझ में आता है। या फिर भी दिक्कत है कंफ्यूजन है तो आप आइकन सेट इस्तेमाल कर सकते हो, आइकन सेट। आइकन से क्या होगा? अब देखिए वो एरो का निशान आ जाएगा, अच्छा दिख गया? हाँ नहीं ये मतलब इनका समझ में नहीं आया, जब हम आइकन यूज करते हैं तो तीन 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 के रो में दिखा रहा है। नहीं लोअर दिखा, ये है ना आपका सॉर्टेड है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, 3 दिन के 9 है तो 3 दिन के सॉर्टेड दिख रहा है, बड़े डाटा वो उसे पोजीशन के हिसाब से चलेगा। लेकिन होता है क्या है कि लोअर के लिए वो लोअर का सिंबल, मिडिल के लिए वो मिडिल एरो सिंबल, और अपर के लिए वो अपर सिंबल यूज करता है, तो ज्यादा आसानी होती है समझने में। जैसे अभी एक ओके पर्सन, कहने का मतलब कि हाँ मैं जो आप, 1 2 3 था ये सबसे लोएस्ट था है हाँ ना, देखिए इसलिए आप, मैं लोएस्ट का साइंस में हूँ। हाँ देखिए आप 21, 31 लोएस्ट ओके है तो लोएस्ट का, 62 मिडल है तो मिडल का, एंड आपका अपर में 65, 84 अपर है तो अपर में दिखता है। तो यहाँ पे तीन है, ओके तीन कैटेगरी बांटना चाहो तो तीन कैटेगरी बांट सकते हो। यहाँ पे आपका हाँ चौथा जी कैटेगरी है, चार कैटेगरी है कि लोअर मिडल, अपर मिडल एंड अपर। हाँ जी ओके यहाँ पे 5 की कैटेगरी भी है, 5 कैटेगरी भी ले सकते हो आप,
और ये सारे आइकन्स हैं, तो ये आइकन्स के हिसाब से आपको यहाँ पे शो करके देख, ओके हाँ समझ गए? जी तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक था, जहां हम बताया कि कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं। अब इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा, और कुछ इसमें और चीजें भी, इसके मैनेज रूल। मैनेज रूल में क्या होता है कि जैसे कोई लगा हुआ है, मतलब कि कंडीशन फॉर्मेटिंग उसको चेंज करना है, या उसको जैसे डिलीट, जैसे किसकी कलर चेंज करना चाहते हो, एक कलर आपको पसंद नहीं है, आपको कलर चेंज करना चाहते हो, आपने लगा दिया हुआ है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, मैनेज रूल में जाइए, तो जितना भी लगा रखे है उसको यहाँ पे दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करके आप उसकी कलर को चेंज कर सकते हो। जस्ट डबल क्लिक कीजिए, एक एडिट का एडिट फॉर्मेटिंग रूल का बार खुल जाएगा, और यहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकते। तो सारे के कलर दूसरे चेंज हो जाएंगे। हाँ, जो भी कलर आप यहाँ पे देखो, कलर फिल कलर है ना, वो आप कलर चेंज कर सकते, जो भी कलर दिख रहा है वो कलर चेंज कर दीजिए। अगर मैं पर्टिकुलर एक सेल का रो कलर चेंज करना चाहूँ एक नहीं, कंडीशन फॉर्मेटिंग चेंज होगा तो पूरा का होगा ना मैम, जो अच्छा, मतलब एक का आपने नहीं कर सकते हैं। एक का करोगे तो ऑटोमेटिक पूरा ही हो जाएगा वो, क्योंकि ओके ग्रुप सिस्टम चलता है ना, क्योंकि ये जो बार, जो डेटा बार लगा रखा है, तो एक एक सेल पे लगाओगे तो पूरा पूरा दिखाएगा, उसकी कोई कंपेयरिंग ही नहीं है ना, ये पूरा कॉलन है तभी तो पूरे कॉलन के डेटा को कंपेयर कर रहा है ना, एक हाँ मझली जी सेल पे करोगे तो कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, किसी कंपेयर हाँ करेगा, तो वो हर हर सेल में आपको पूरा दिखाएगा, फिर पूरा बड़ा सोशल पूरा रो का सबका सबको हाईएस्ट करके दिखाएगा, हाँ जी इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। उसके ओके बाद आप चाहते हो कि इसको डिलीट करना, तो एक क्लियर रूल आपका यहाँ पे है। क्लियर रूल में जाओगे तो दो चीजें हैं, क्लियर रूल फॉर्म सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फॉर एंटायर सीट। सिलेक्टेड सेल में तो जो सिलेक्शन करेंगे उतने का कंडीशन फॉर्मेटिंग जो लगा है वो हटाएगा, एंड एंटायर शीट मतलब कि पूरी की पूरी शीट को, पूरी की पूरी शीट का यहाँ से हटा देगा फिर, ओके हाँ ठीक है? जी आगे बढ़े इसमें, हाँ जी हाँ जी और इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें न्यू रूल्स जो दिख रहे हैं वो, जैसे आपने ऊपर अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है, यहाँ भी इकट्ठे होता है, तो इसके ये छोड़ के हम लोग ऊपर का ही नीचे यूज करते हैं। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। जी अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाँ वो जी आता है पिवट टेबल का, ठीक है? हाँ जी तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पिवट टेबल की मैं प्रिपरेशन कर लेता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं। ओके नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है पिवट टेबल का, तो पिवट टेबल हाँ का जी यूज क्यों करते हैं इसके बारे में एक बार जान लीजिए। तो अगर हम पिवट टेबल की डेफिनेशंस की बात करें, तो पिवट टेबल का डेफिनेशन कहता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा, ठीक है? मतलब कि किसी भी डेटा को आप समरी बना सकते हो, उस पे कुछ चीज ढूंढ के एनालाइज करनी है तो ढूंढ के आप एनालाइज कर सकते हो, या फिर आपको किसी को प्रेजेंट करना हो एज ए रिपोर्ट, उसको आप प्रेजेंट कर सकते जी हो, ठीक है? उसके लिए हम पिवट टेबल यूज करते हैं। तो पिवट टेबल यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं उसके बारे में ओके एक बार जान लीजिए। पिवट टेबल यूज करने से पहले आपके पास उसका ये होना चाहिए, डेटा के समझ होनी हेलो चाहिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी उसकी डेटा की समझ होनी चाहिए, मतलब कि डेटा को पहले से आप पहले समझ लो कि आखिर डेटा है क्या, ठीक है? तो मेरे सामने जो डेटा आप देख रहे हो, एक किसी एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट का सैलरी का डेटा है, जो कि अलग अलग सिटी में वर्क करता है, ठीक है?
अलग अलग सिटी में वर्क करता है। तो इसमें है कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की हायरिंग कब हुई है, उसकी सैलरी कितनी मिली है, बोनस कितना मिला है, ओवर टाइम कितना मिला है, किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, उसने कितना छुट्टियां मिल ली है, और उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके जो एचओडी है उसने क्या उसको रेट दिया है, परफॉर्मेंस रेट मतलब स्कोर बोल सकते हैं, ठीक है। 10 में से उसको रेट मिलते हैं, 10 में से उसको 4 रेटिंग मिली है, 10 में से किसी को 5 रेटिंग मिली है, और वो किस सिटी के लिए काम करता है, आपके सामने डेटा डला हुआ है। अब मुझे इसमें से ओके एक तो आप डेटा समझ लीजिए, डेटा को समझ लीजिए, डेटा क्या है प्रियंका जी, डेटा को समझ लीजिए ना, डेटा क्या है आपके पास। हाँ जी बिल्कुल अब इसमें दूसरी चीज है कि किसी का भी जो हेडिंग है ये हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अगर ऊपर का हेडिंग आपका ब्लैंक है तो आपका कीवर्ड अप्लाई ही नहीं होगा, ओके इसलिए हेडिंग आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जी दूसरा कि इस कीवर्ड से आपको करना क्या है, इस चीज के पहले में आप जान लीजिए क्या यूज करना चाहते, क्या चाहिए आपको डेटा से और क्यों चाहिए। मुझे चाहिए डिपार्टमेंट के हिसाब से हेड काउंट, मतलब किस डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम करते हैं, मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए। समझ में ओके आया कि मैं चाहता हूं कि हाँ जी डिपार्टमेंट के हिसाब से किस किस डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम करते हैं वो चाहिए। अब बोलोगे सर कि ऐसा क्यों चाहिए मुझे, हाँ जी तो मान लीजिए कि अभी क्रिसमस का गिफ्ट आया हुआ है और मुझे हर डिपार्टमेंट में आपको, आप एडमिन में काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट काम करते हो, अब आपको गिफ्ट सारे जितने जितने भी ये है स्टाफ है उनको देना है, तो आप एक एक स्टाफ को ना देखिए आप डिपार्टमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे एक डिपार्टमेंट 10 बंदे हैं तो आपने 10 गिफ्ट उसको भेज दिया और उसके एचओडी को बोल दिया कि आप 10 गिफ्ट जो है अपने में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपको आपके पास ये तो डेटा में होना चाहिए ना किस डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम करते हैं एज पर योर रिकॉर्ड, तो सैलरी से अच्छा रिकॉर्ड तो कुछ नहीं हो सकता ना, नहीं लास्ट मंथ की जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग भेजोगे आप। तो रिपोर्ट सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो, उसका क्या बेनिफिट है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हमने डेटा को समझ लिया, हमने हेडिंग ऊपर मेंटेन करनी है, और फिर हमने बताया, हमने ये जान लिया कि हमें रिपोर्ट निकालना क्या है, तीन चीजें हम समझ गए। चौथा आता है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या पिवट लगाने के लिए मुझे डेटा को सिलेक्शन करके पिवट लगाना होगा कि बिना सिलेक्शन किए भी पिवट लगा सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर डेटा के अंदर में, डेटा के अंदर कोई भी रो बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे कि मैंने रो 12 भी एक ऐड किया है, अभी ऐड कर रहा हूं मैं, तो इसमें जितने भी रो ब्लैंक है, मतलब रो ब्लैंक हो गया, कोई भी रो ब्लैंक हो गया, अब मुझे पिवट को लगाने से पहले डेटा को सिलेक्शन करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन ना करेंगे तो ये इतना ही डेटा को यूज कर देगा, इसी पे पिवट लगा देगा, नीचे का डेटा को रीड ही नहीं करेगा। तो मैंने बताया आपको कि हम पिवट डेटा कब सिलेक्शन करेंगे, मतलब जो ब्लैंक हो उसको अगर ब्लैंक है तो सिलेक्शन करना है हाँ जब ब्लैंक कोई है, से रो या हाँ हाँ जब ब्लैंक है तो सिलेक्शन करना है, अगर ब्लैंक नहीं है तो सिलेक्शन करने की जरूरत जरूरत नहीं है, नहीं ठीक ओके है। चलिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं एंड हम यहां इंसर्ट में, अब इसके आपके पास अगला, आपके पास एक्सेल कौन सा है मैम, एक्सेल
सेवन है। सेवन है, तो सेवन में तो नहीं है ऐसा है फीचर। 2013 आप इस्तेमाल करते हैं आप, तो 2013 में आपके पास एक ये है, सर पाइवोट टेबल तो है मेरे, नहीं 2010 है एक्सेल मेरा, 2010 है। हाँ 10 है, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है रिकमेंड पिवट टेबल, रिकमेंड। 10 में हाँ ओके। सर इसमें मेरे पास तो पायो टेबल ही आता है, बस एक पायो टेबल हाँ आता है, एक सेव वाला देना नया सर। नए नया ऑप्शन है, इसे मैं बता रहा हूँ कि नया फीचर्स है कि, तो इस नए फीचर्स में आपका पास आता है रिकमेंड पिवट टेबल। रिकमेंड पिवट टेबल यूज क्यों करते हैं इसके बारे में हम जान लीजिए। रिकमेंड पिवट टेबल रिकमेंड में ये होता है कि आपका डेटा को समझ के उस पे आपको खुद ब खुद 8-10 पिवट टेबल लगा के दे देगा। जो पिवट आपके रिक्वायरमेंट को फिल करती है उस पिवट टेबल को आप सिलेक्ट करो। कैसे होगा आप एक बार बताओगे? जस्ट आपको कुछ कुछ नहीं करना है, बस पिवट टेबल रिकमेंड पिवट टेबल में क्लिक कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, जो चाहिए वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। लेकिन ये फीचर तो आपके पास है ही नहीं, तो कोई यूज कर। फिर मैं बता दिया आपको कि अगर आप कभी 2013 या 16 पे काम किए तो ये चीज आपको ध्यान में आएगा। अच्छा मतलब बस जल्द एक सेलेक्ट कर दूंगी और रिकमेंड पर टेबल पर क्लिक करूंगी तो अपने आप सारे डेटा अलग अलग करके दे देगा वो। हाँ ओके हाँ ठीक है, जी। उसके बाद अगर पिवट टेबल यूज करते हो तो सिंपल पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए एंड कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओके प्रेस कर दीजिए, एक नया शीट खुलेगा, उस नई शीट पे आपको पिवट टेबल आ जाए। ठीक है, अब पिवट टेबल कुछ करना नहीं है, ये आपका इस नई शीट पे आया, यहाँ पे आपके सारे हेडिंग्स हैं जो ऊपर आप देख रहे हो सर्च के नीचे। इससे मैंने आपको बोला था कि हेलो हेलो सॉरी मैम, एक कॉल आ गया था हाँ जी। बेसिकली। तो इसमें आपको बस उठा उठा कर रखना है। मुझे क्या चाहिए था, हमने बताया था कि क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमें चाहिए डिपार्टमेंट के हिसाब से हेड काउंट। तो यार डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, डिपार्टमेंट को उठाना है रो में, बस छोड़ देना है, यहां से क्लिक होल्ड करते हुए लाना है रो पे छोड़ देना है। तो इसे यहाँ पे हमने इसको रख दिया, तो यहाँ देखिए डिपार्टमेंट का पूरा एक लिस्ट बन गया है। तो पिवट टेबल की खासियत ये होती है कि यहाँ पे जो समरी बनाता है सिर्फ वो यूनिक नंबर रखता है, मतलब कि डेटा में ये डिपार्टमेंट न जाने कितने बार रिपीट होगा, लेकिन आपके पिवट में एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक बार आ रहा है। हाँ अब बात करते हैं हेड काउंट्स की, ठीक है। तो हम जो नेम है मतलब नेम ऑफ द एम्प्लॉय है उसको उठा के हम वैल्यू में रख देते हैं, तो क्या होगा, काउंट कर देगा उसको, ओके ठीक है। तो हमने रो में रखा ताकि एक लेजेंड बन सके, लिस्ट बन सके, और फिर हम वैल्यू में वो फिल लेते हैं कि वो जो लिस्ट बना है उसके सामने जो फिल रख रहे हैं उस फिल का सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम वगैरह यहां पे आ जाए।
अब मुझे एक चीज और देखना है कि अब प्रॉब्लम क्या है, जो आपका गिफ्ट आ रहा है ना, आप चाहते क्या है कि जिसकी स्कोर ठीक ठाक हो या गिफ्ट उसी को देना चाहते हैं, किसका? माने इसको माने कि जिस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस स्कोर ठीक होगा उसी को हम देंगे, समझ गया ना, एक नया कंडीशन ऐड हो गया ना। तो नीचे परफॉर्मेंस स्कोर है आपका, परफॉर्मेंस स्कोर को इस काउंट ऑफ फुल नेम के नीचे रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको काउंट ऑफ परफॉर्मेंस स्कोर दिख रहा है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस स्कोर का काउंट नहीं करना है, सम करना है। नेम को आपने इसलिए काउंट किया कि नेम सब नहीं हो सकता क्योंकि टेक्स्ट है, एबीसीडी है, लेकिन ये तो आपका नंबर है ना, डेटा नहीं, इसको सम करना। तो यहां पे जब रखते हैं तो डिफॉल्ट वो कॉलम फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम और काउंट दे देता है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप देखोगे काउंट ऑफ यहाँ पे लिखा है, काउंट ऑफ लिखा है, उसके बगल में एक छोटा सा एरो का निशान है, इस एरो के निशान पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके कहिए वैल्यू फिल सेटिंग, वैल्यू फिल सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे आप चाहे सम चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, जो चाहिए आप यहां से ले सकते हो। तो मुझे यहां पे सम चाहिए तो मैंने इसको सम को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, यहां पे मेरा सम हो गया, ठीक है। सर, ये क्या कहते हैं, जो परफॉर्मेंस है वो 32 सम किसको किया, किससे किया? इसने अकाउंटिंग को पूरा फिल्टर किया और अकाउंटिंग के जितने भी परफॉर्मेंस स्कोर है उसको सम करके दे दिया, इसने डेटा पे गया और डेटा में इसने फिल्टर लगा के यहाँ अकाउंटिंग को फिल्टराइज किया और अकाउंटिंग के जो भी स्कोर थे उसका सम दे दिया, समझे। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ धन्यवाद। पे अगर आप मैनुअल करते तो आपको एक एक करके करना पड़ता और इसने ऑटोमेटिक कर दिया, तो इसलिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इजीली समराइज निकाल सके। अब एक चीज और है कि ऊपर काउंट ऑफ द नेम परफॉर्मेंस स्कोर इस तरह से आ रहा है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, अपने इसमें अपना एक हेडिंग देना चाहते हैं, तो हम हेडिंग डेटा को छोड़ के, जो डेटा आपका जो कैलकुलेट होके आया है उसको छोड़ के हर तरह का चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड काउंट चाहिए हमने हेड काउंट मैनुअली लिख दिया, परफॉर्मेंस स्कोर चाहिए तो मैं यहां पे टोटल स्कोर कर देता हूं, टोटल स्कोर आ गया, ठीक है। अब बात आती है इसको रिप्रेजेंट करने की, हमने समराइज तो कर लिया, अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, किसी को मेल करना है, किसी को भेजना है, इसको तो ऐसे तो नहीं भेज सकते ना, तो ऊपर आप डिजाइन में जाओगे, ऊपर जैसे पिवट टेबल पे आप क्लिक करोगे ना तो पिवट टेबल टूल्स के नीचे डिजाइन ऊपर मेनू बार में आपको दिखेगा, उस पे कीजिए, डिजाइन पे क्लिक कीजिए और डिजाइन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे पिवट टेबल के कुछ बहुत सारे फॉर्मेटिंग पड़े हुए हैं, इस फॉर्मेटिंग को आप अपने हिसाब से ले सकते। ठीक है, जैसा फॉर्मेटिंग चाहिए आप ऐसा फॉर्मेटिंग ले लो, और मैं बच्चों को रिकमेंड कर, आप जो है नॉर्मल फॉर्मेटिंग खुद से ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो होम मेनू में आप चले जाओ और होम मेनू में जाने के बाद आप होम मेनू इंसर्ट में, में आगे कर सकते हैं। हाँ होम मेनू नहीं, इस होम मेनू में जाके आप यहाँ से फॉन्ट ले लो, यहाँ से बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर करना है, तो नॉर्मल जो हम डेटा के फॉर्मेटिंग करते हैं उस नॉर्मल फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से प्रॉब्लम क्या होता है कि पिवट आपके डेटा से लिंक होता है, कल के रेट में आपका डेटा कम चेंज होगा, कुछ लोग चेंज होगा, मतलब कि मुझे मान लो कि अगले महीने की सैलरी में 10 बंदे निकल गए, या हो सकता है कि 20 बंदे ऐड हो गए, नया ज्वाइनिंग है, तो ये आपका
इंक्रीज डिक्रीज होगा ना, यहाँ से नीचे ऊपर आएगा। जैसे हमारा ट्रेनिंग में दो ही बंदा है, वो दोनों बंदा छोड़ के चला गया तो ट्रेनिंग का कॉलम हट जाएगा। हाँ पर अभी फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी, मैं फॉर्मेटिंग पिवट के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, कम और नहीं कमेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। लेकिन अगर आप पिवट टेबल टूल्स के डिजाइन में जाके जो पिवट टेबल स्टाइल है उसमें से लेते हो तो वो पार्ट वन पिवट हो जाता है और पिवट के साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, ओके समझे? तो यहां से फॉर्मेटिंग कर सकते हाँ हो, जी और ज्यादा अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप इस पे चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेम डिजाइन के बगल में आपको एनालाइज आता है, उस पे आपको दिखेगा आप पिवट चार्ट, डिजाइन के जस्ट बगल में एनालाइज है, उस एनालाइज में देखेंगे तो आपको दिखेगा पिवट चार्ट। आप पिवट चार्ट पे क्लिक करें और आपके कौन किस तरह का चार्ट चाहिए वो चार्ट आपको यहाँ पे बता देगा, कि जिस तरह का चार्ट चाहिए उस तरह का चार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते ओके हो। सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, और अपना रिपोर्ट उठा के इसको मेल करना है, मेल कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। तो ये तो हमारी हो गई हेड हाँ काउंट की जी रिपोर्ट। अब मैं चलिए एक और कुछ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि किस सिटी के किस डिपार्टमेंट में हमने कितने बंदे हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, और उनको हमने एवरेज बोनस कितना दिया है, या टोटल बोनस मान जी लीजिए, हमें टोटल बोनस हमने कितना दिया है, सिटी वाइज तो सिटी वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज, किस सिटी के किस ओके हाँ डिपार्टमेंट। तो हम पिवट टेबल जी अप्लाई करते हैं और किस सिटी के किस डिपार्टमेंट में, तो हम सिटी को पहले रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा सिटी लिस्ट आ गया। तो और इस सिटी के किस डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट को हम यहाँ कॉलन में डिपार्टमेंट रख देंगे, ओके और कितना हमने ओवर दिया है बोनस दिया है तो बोनस को उठा के वैल्यू में रख देंगे। मतलब कि जो लिस्ट आपको यहां इस तरह से बन रहा है रो वाइज, वही लिस्ट आपको यहां से कॉलम वाइज भी बनेगा, ठीक है? हाँ तो अगर कॉलम वाइज रखना है तो कॉलम वाइज रखिए, रो वाइज रखना है तो रो वाइज रख सकते हैं। और लेकिन वैल्यू में हम वही चीज रखते हैं जिस पे हम टोटली सम से करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जैसे सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम इस तरह की चीजें करते हैं, वही हम यहां पे रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रखते हैं। ओके अब इसमें दिक्कत ये आती है कि एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कॉलन में जो आपने रखा, यहाँ पे हमने रो वन कॉलन के साथ अकॉर्डिंग अपना रिपोर्ट दिखाया हुआ है कि दिल्ली, और रो वाइज यहां से हम देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास ये जो डिपार्टमेंट है ये काफी ज्यादा है, 200 300 400 डिपार्टमेंट्स है आपके, तो वहां पे ये तरीका गलत साबित होगा, क्योंकि जब ज्यादा होगा तो इधर बढ़ेगा और एक पेज में प्रिंट आउट नहीं आएगा, एक बार दिखेगा नहीं, और काफी नेविगेट करने में काफी प्रॉब्लम होगी। ओके तो अगर आपके पास दो लेजेंड है तो उस केस में हम डिपार्टमेंट को सिटी के नीचे रख देते हैं, तो ये आपका इस तरह से बन के आ जाएगा कि दिल्ली उसके नीचे। और ये जो प्लस माइनस का निशान दिख रहे हो इस पर क्लिक करोगे तो ये कॉलस्पेंड हो जाएगा, मतलब ये हाइड कर देगा डिपार्टमेंट, एक साथ सारा हाइड करना है। तो एनालाइज में यहाँ ये यह माइनस का निशान दिख रहा है आपको, कॉल स्पेक्ट बोलते हैं, कीजिए हाँ जी आ जाएगा। तो ये समरी तो समरी आ गया कि आपने उसको सिटी के हिसाब से दिखाया जो ज्यादा डेटा है, तो अब मुझे पता चला है कि यहाँ पटना में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और क्या क्या दिया है बोला समझे। तो यहाँ डिपार्टमेंट इस पे प्लस पे क्लिक करोगे तो इसके डिपार्टमेंट खुल के आ जाएंगे और इसकी डिटेल्स आपको खुल के आ जाएंगे। हाँ जी सर तो इस तरह से रिपोर्ट बना सकते हैं, बाद में फॉर्मेटिंग वर्टिंग करके किसको भेजना है भेज सकते हो। लेकिन एक छोटी सी इसमें दिक्कत आती है, देख लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि हमने पूरा इसको खोल दिया, ये रिपोर्ट है, तो ये अगर हम रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल में हमें भेजना है तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं कि डेटा से समरी निकाल के उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको और भी नई कैलकुलेशन ऐड करके फिर हम भेजते हैं,
तो आप देख रहे हैं कि आप एक ही कॉलर में आपका सिटी भी है और एक ही कॉलर में आपका डिपार्टमेंट भी है। तो पिवट में फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अच्छा है, इस कारण से आपको ये अलग अलग दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको काउंट कॉपी करके किसी अलग सीट पे जाके हमने वैल्यू पेस्ट करूंगा, मतलब कि पिवट को रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन वैल्यू है और कौन आपका डिपार्टमेंट है, कौन सिटी है। हाँ जी तो मैं चाहता हूं कि अलग ना हो, कि भाई सिटी एक कॉलर में हो, डिपार्टमेंट दूसरे कॉलर में हो और तीसरे कॉलर में हमारा वैल्यू। वैल्यू है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहीं पे जो पिवट हमने लगाया है, तो ये कुछ नहीं करना है, हमें डिजाइन में जाना है, और डिजाइन में आपको दिखेगा रिपोर्ट लेआउट। ठीक है, रिपोर्ट लेआउट में आप जाके आपके लिए सो या कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑलरेडी होता है, आउटलाइन कहोगे तो ये आउटलाइन में अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इधर से ब्लैंक दिखेगा। फिर यहाँ पे आता है टेबुलर फॉर्म, हाँ सबसे अच्छा होता है। 1 मिनट, चेंज क्यों हो रहा है? ठीक है, तो टेबल फॉर्म में क्या होता है कि यहां सिटी आ गया, इसके नीचे टोटल और यहां पे इसका टोटल दिख जाता है, इसको हम सब टोटल कहते हैं। तो इसमें एक दिक्कत यह है इसको कैसे कि यूज किया आपने, एक बार फिर से बताना। मैम कुछ नहीं किया, रिपोर्ट लेआउट पे टेबल फॉर्म पे क्लिक कर दिया, हमने पिवट पे क्लिक किया, डिजाइन में गया, ऊपर पिवट टूल्स का जो तो डिजाइन टैब है बन के आता है, डिजाइन टैब तभी दिखेगा जब आप पिवट पे क्लिक करोगे। हाँ जी उसके बाद इसी में आपका थर्ड जो है वो थर्ड फीचर्स है, वो है आपका रिपोर्ट लेआउट, इसकी थर्ड पार्ट जो है शो रिपोर्ट इन द टेबुलर फॉर्म, उस पे आपने क्लिक कर दिया। ओके हाँ जी सही ठीक है, तो इसमें एक दिक्कत आ गई, यहाँ पे दिक्कत ये आ गया कि जो यहाँ पे टोटल जो दिख रहा है, मुझे टोटल को नहीं दिखाना है, तो उसके लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहां दिख रहा है सब, जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सब टोटल और उस फील्ड का नेम, सिटी है तो सिटी जो भी फील्ड नेम होंगे वो फील्ड नेम आपको शो करें। ठीक है, हाँ जी तो इस पे क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा। अब बहुत अच्छा, अगर हमें सारे हटाना होगा कि सब तो तुम हाँ क्लिक कर दीजिएगा, वापस लाना है तो सेम उसी पे आप क्लिक कीजिएगा तो वापस भी आ जाएगा। आप क्लिक करने से हटेगा, क्लिक करने ओके से मतलब आएगा। सारे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है सब टोटल। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी अब इसमें नेक्स्ट आता है कि जो ब्लैंक है डेटा, मैं चाहता हूं इसको मर्ज करना, तो मर्ज करने के लिए कुछ मत कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाइए और यहीं से मर्ज एंड सेंटर कीजिए तो आप पे मर्ज हो जाएगा, तो इससे आपको दिखेगा सही फिल्टर। आप अगर बोर्डर छोटो लगाते हैं तो आपको एक एक्चुअली दिखेगा कि हाँ ये इसी का पार्ट है। पायवट टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन मर्ज करेंगे। नहीं, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और फिर हम ओके मर्ज पे क्लिक करेंगे तो मर्ज हो जाएगा आपका। ठीक ठीक है है,
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, और नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मैं इसको मर्ज नहीं हटाना चाहता हूँ, तो वापस हम यहीं पे जाके हटा भी सकते हैं, अनचेक कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ उसको रिपीट करना कि यहीं पे दिल्ली दिल्ली, यहीं पे नोएडा नोएडा लिखा हुआ आ जाए, जो ब्लैंक ना रहे। तो एनालाइज इसमें इसमें डिजाइन में जाएंगे, जहां रिपोर्ट ले आउट था उसी के नीचे आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, रिपीट ऑल आइटम लेवल, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा लेवल रिपीट हो गया। फिर मैं चाहूंगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, रिपीट ऑल आइटम लेवल मतलब नीचे से थर्ड पार्ट है आपका हटाना है, तो यहाँ पे डू नॉट रिपीट आइटम लेवल कीजिएगा तो हट जाएगा, रिपीट ऑल आइटम लेवल कीजिएगा तो वापस रिपीट हो जाएगा। ठीक अब दूसरा इसमें आता है कि मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में हमारा ब्लैंक रो इंसर्ट हो, ताकि हम सेपरेट कर सके सही तरीके से। तो आप यहीं है। पे कर सकते हैं इंसर्ट ब्लैंक रो इच आइटम, या आपका ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। ब्लैंक रो को हटाना चाहते तब यहां से हटा भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज और होता है, जब कोई पिवट हम यूज करते हैं, तो जैसे यहाँ पे 32 या 9 आया हुआ है, हेड काउंट 9 आया हुआ है, मुझे चेक करना है कि अकाउंटिंग हाँ में कौन कौन से 9 बंदे हैं, इसका मुझे डेटा चाहिए। ओके तो इसके लिए आप डेटा में जाके फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप हेड काउंट पे जाए, अकाउंट इस पे अकाउंटिंग पे जाए, इस पे जस्ट डबल क्लिक कर दें, तो डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पे उसका डेटा कॉपी पेस्ट होके आ जाए, अच्छा ठीक है, जस्ट डबल क्लिक करना है। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जनरली हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक जल्दी हो जाता है और डेटा चला जाता है, तो मैं चाहता हूं कि ये फीचर डिसेबल हो जाए, ये फीचर अनेबल ना हो, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, और डेटा डेटा नाम का एक टैब मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, और इसमें दूसरा डेटा आता है शो अनेबल शो डिटेल्स, इसको आप यहां से अनचेक कर दीजिए, अनेबल शो डिटेल्स को यहां से आप अनचेक कर दीजिए, देन ओके कीजिए, तो आपको यहां पे नहीं दिखेगा, डबल क्लिक करते हैं नहीं आएगा। ओके अब बात करते हैं फिल्टर का, पेज फिल्टर बोलते हैं फिल्टर का, ये मान लीजिए ये डिपार्टमेंट ओवरऑल आ रहा है, मैं चाहना ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में कितने किस किस डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं, हेड काउंट क्या है, तो उसके लिए दिल्ली को उठा के आप फिल्टर में रख दीजिएगा ऊपर में। तो यहां पे अगर मैं सिलेक्ट करूंगा दिल्ली, सिलेक्ट किया, अब मेरे पास जो डेटा दिखेगा वो सिर्फ दिल्ली का ही दिखेगा, ठीक है। ठीक है। तो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर एक या एक से ज्यादा, अगर ज्यादा मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली या एनसीआर, मतलब कि दिल्ली नोएडा गुड़गांव तीनों को मिलाकर देखना चाहता हूँ, तो नीचे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, उस पर क्लिक कीजिए और तीनों को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, यहाँ पे तीनों आपको दिख जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये जी पिवट टेबल की रिप्रेजेंटेशन थी। अगली टॉपिक हमारी है वो है ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग जैसे ग्रुपिंग तीन तरह के होते हैं, नंबर ग्रुपिंग, टेक्स्ट ग्रुपिंग एंड डेट एंड टाइम ग्रुपिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हायर डेट लिखा हुआ है, मैं डेटा में क्या है हायर डेट है कि किस तारीख को इसकी हायरिंग हुई है, मुझे पता करना है, ये इसी साल का डेटा है, मुझे पता करना है कि इस साल के किस महीने में कितनी ज्वाइनिंग हुई है, समझे। हाँ तो जी इसमें यहाँ मंथ का कोई कॉलम तो है नहीं, और मुझे कोई कॉलम ऐड भी नहीं करना, मैं डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डेटा हमारा किसी और डेटा से लिंक है, या फिर हमें कोलेशन करने में दिक्कत हो सकती है अगर हमने छेड़छाड़ किया तो। तो हमने पिवट टेबल इंसर्ट किया और अपना जो डेट है हमारा हायर डेट है उसको उठाकर हमने रो में रख दिया, रो में रखते आप देख रहे हैं यहाँ ग्रुप होके आता है, मेरा सिस्टम की सेटिंग थी इसलिए मैंने 16 2016 इसे ऑटोमेटिक रीड कर लेता है, लेकिन हर बार नहीं आए, वो हर बार आपको इस तरह से डेट में आएगा,
ठीक है, ओके डेट में अब मुझे हेड काउंट चाहिए, तो मैं नेम को उठा के इसके सामने रख देता हूं, तो इसके हेड काउंट आ गए। अब इसमें आपको जो जी जो नंबर्स आपको दिख रहा है, जो भी डेट है, मुझे डेट के हिसाब से नहीं, मुझे चाहिए मंथ के हिसाब से। तो हम इसको मंथली ओके ग्रुप कर सकते हैं, मतलब इस पर राइट क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक किए और हम यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करके ओके कर लिया। रोशन जी, आप अपने आप को म्यूट कर रखे हैं, जी अनम्यूट करेंगे तो आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो मंथली के हिसाब से आप इसको ग्रुप कर सकते हो, और सिर्फ मंथ ही नहीं, इसमें और भी है ग्रुप में ग्रुप। इसमें हमने क्वार्टर कर दिया, इसमें क्वार्टर आएगा, और इसमें हमने ग्रुप हमने ईयर कर दिया है, जो भी सब एक या एक से ज्यादा को सिलेक्शन कर सकते। ओके तो इस तरह से आप मंथली ग्रुप कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई डेट की ग्रुपिंग, ठीक है। ओके हेलो अब मैं, हेलो रोशन जी, बताइए कुछ पूछना है आपको। हेलो हाँ, ये अनग्रुपिंग वाला आप मुझे फिर से बताएंगे? ग्रुपिंग ओके चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ, वाला अभी जो फिगर अगर ऐसे है नीचे। ग्रुप में समझा ही रहा हूँ, देखिए समझ जाइए, 2 मिनट में समझ जाइए। अभी ग्रुपिंग का टॉपिक खत्म नहीं किया मैंने। तो ग्रुपिंग में हम बात करते हैं सैलरी। मान लीजिए कि जो सैलरी है, मैं जानना चाहता हूं कि 20,000 से 40,000 वाले कितने बंदे हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी, तो 20,000 से 40,000 वाले कितने बंदे हैं, मुझे इसका निकालना है। तो मैं वापस इसको पिवट में जाता हूं एंड ओके करता हूं, और मैं यहां पे जो सैलरी है, इस सैलरी को मैं रो में रख देता हूं। तो सैलरी को हमने रो में रख दिया, और हमने जो हमारा नेम है उसको हमने इसमें रख दिया, और मुझे इसमें 20-20 हजार का ग्रुप बनाना है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप पे जाऊंगा, तो यहां पे डिफॉल्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो या ऐसे डिफॉल्ट रख सकते हो। और फिर आता है बाय, कितने का ग्रुप करना है। तो हमने यहां देखा कि हमें 10,000 का ग्रुप बनाना या 20,000 का ग्रुप बना, तो यहाँ पे हमने मैनुअली टाइप कर दिया एंड ओके किया। तो 20 देख रहे हैं आप, यहाँ 20-20 हजार का ग्रुप आ गया। तो पहले आपने सीखा डेट टाइम की, डेट की ग्रुपिंग, कि आप कोई भी पर्टिकुलर डेट है, अगर हमने हायर डेट को यहाँ पर रखा तो डिफॉल्ट जो है वो इस तरह से आपका आता है डेट इसके हिसाब से। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें ग्रुप मंथ के हिसाब से हो जाए, तो इस पे सिलेक्ट किया और हमने जैसे ग्रुप किया तो ए हमारा मंथ आ गया, यहाँ पे चेंज हो गया, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आ गया, यहाँ पे हमारे ग्रुप बाई आ गया कि मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टर करना चाहते हैं, ईयरली करना चाहते हैं। अगर मंथली करना है तो मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, क्वार्टर करना है तो क्वार्टर सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों करना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम हमें नंबर की ग्रुपिंग करनी थी, तो हमने नंबर को जिसको ग्रुप करना है उसको रखा, राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गया, तो यहाँ पे हमारा इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग आ गया, और हमने बाई जिसके बाई ग्रुप करना है वो ग्रुप हमने यहाँ पे कर दिया। अब दूसरा इसमें आता है टेक्स्ट की ग्रुपिंग, कि मैंने सिटी को यहाँ पे ले लिया, मैंने पिवट नया लगाया मैंने, और सिटी को लिया और यहाँ पे हेड काउंट कर, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली, नोएडा और जीजीबी गुड़गांव है, तो मैं चाहता हूँ ये तीनों इकट्ठा होके यहाँ पे आ जाए दिल्ली एंड एनसीआर। तो इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड ग्रुप में गया, यहाँ पे ऊपर ग्रुप 1 लिखा हुआ आ गया,
जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी माने कि जो हमारा वैल्यू में फील रहा हुआ है इसको छोड़ के आप किसी भी नंबर को किसी भी हेडिंग को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली एंड एनसीआर, ठीक है। और यहाँ जो सिटी हाँ जी, टू एंड सिटी दिख रहा है तो एक सिटी को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे सिटी टू रह गया। रहना है तो रखिए, हटाना है तो हटा दीजिए। तो ग्रुपिंग हमारा था डेट का ग्रुपिंग, नंबर का ग्रुपिंग एंड टाइम का ग्रुपिंग। तो प्रियंका जी एंड रोशन जी, ये ग्रुपिंग समझ में आ गया आपको? हाँ जी तो ग्रुपिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इन सेंस कि अभी हमने हमारे पास डेटा क्या है, सैलरी है, बोनस एंड ओवरटाइम है, ठीक हाँ है। जी तो अगर मैं रिपोर्ट लगाता हूँ, कोई भी रिपोर्ट बनाता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से खर्चा निकालता हूँ, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है सैलरी पे, तो मैं डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे रख दिया और मैंने यहाँ पे सैलरी का टोटल, मैंने यहाँ बोनस, मैंने यहाँ ओवर टाइम, तीनों रख देता हूँ। ये इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको सम कर लीजिए, सम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि हाँ जी टोटल इन हैंड तो नहीं है इसमें, और हम पिवट के अंदर में फील्ड को सम डिफॉल्ट सम नहीं आता है, तो हमें इसको तीनों को आपस में कैलकुलेट करके यहां पे इसका टोटल दिखाना है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि हम डेटा के पिवट के अंदर में दो तीन फील्ड को आपस में सम करना चाहते हैं, तीन कॉलम। तो उसके लिए आप एनालाइज पिवट टेबल के जो एनालाइज टूल्स अरे टैब है ऊपर में, उस पर क्लिक कीजिए और यहां आपको दिखेगा पिवट आइटम एंड सेट, फील्ड आइटम एंड सेट, इस पर क्लिक कीजिए एंड कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक कीजिए, कैलकुलेटेड फील्ड। अब यहां पे मैंने दे दिया टोटल, तो हेडिंग जो नेम जो है आपका, वो नेम अपने हिसाब से कुछ भी आप रख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला में मुझे सम करना है, तो मैं यहां पे करता हूं कि सैलरी इंसर्ट प्लस मैंने बोनस किया प्लस मैंने ओवरटाइम किया, तो हमने सैलरी को बोनस को एंड ओवरटाइम को आपस में सम कर दिया। उसके बाद मैंने ऐड करता हूं उसको एंड ओके करता हूं, तो एक नया टोटल नाम का एक टैब खुल के आ गया जो तीनों को आपस में इसने सम करके 72,000 दे दिया। अब मैं तुम्हें इस टोटल का ईएसआई निकालना चाहता हूं, मैं टोटल का मैं निकालना चाहता हूं 6.5%। तो उस केस में भी सेम हम कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे और मैं ई एस आई लिख दिया, इस ई एस आई सी, और यहां पे मैं टोटल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ टोटल लिस्ट आ जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई बाय 6.5% ऐड कीजिए एंड ओके। मैं इसमें मान लीजिए कि इसका जो है मैं 12% पीएफ भी निकालना चाहता हूं, तो मैं सेम कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊंगा एंड टोटल, तो यहां पे पीएफ एंड यहां पे मैं टोटल इंसर्ट मल्टीप्लाई बाय 12% एंड ऐड। तो इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप पिवट के अंदर में डायरेक्ट कर सकते हो, इससे अलग ये कैलकुलेशन नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन वो पार्ट ऑफ पिवट नहीं होता, ये आपका पिवट का एक पार्ट हो जाता है, पिवट का पार्ट कहलाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब बात करते हैं अपडेटिंग द डेटा। भी होता है क्या है कि अगर आप पिवट के अंदर में कोई चेंज करते हैं, जैसे मैंने बोनस 1800 के जगह पे 3800 कर दिया, तो पिवट को जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपका ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अपडेट आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने कोई नया डेटा ऐड कर दिया, नीचे मान लीजिए कि मैं एक नया नाम, और मान लीजिए कि ओमनाथ
एक नया एम्प्लॉय आया है और उसकी ज्वाइनिंग जून को हुई है, उसकी सैलरी 25.7 है और मैंने और डिपार्टमेंट उसका मान लीजिए एक नया डिपार्टमेंट मान लीजिए कि उसका है परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस को लीव उसका 1 है, परफॉर्मेंस उसका 4 है और सिटीओ जो है वो दिल्ली के लिए वर्क करता है। तो आप इसको आप रिफ्रेश करोगे तो नहीं आएगा, ट्रेनिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डेटा हमारा नया ऐड हुआ है, समझे। जब हमने पिवट लगाया था तो पिवट का जो पाथ 103 तक ही था, हमने यहां पे एक नया पाथ ऐड किया है जो कि आपका 104 है। तो अगर आपको पिवट को मतलब कि इसको भी पिवट में लेना है तो आपको एनालाइज में जाके चेंज सोर्स डेटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए एंड पिवट को आप वापस रीसेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके, ये आपका यहाँ पे डेटा है। तो जब भी पिवट में नई डेटा ऐड करते हैं तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन प्रॉब्लम होगी कि भैया बार बार कैसे हम चेंज करें और बैच कैसे करें, हर बार मुझे करना पड़ेगा। तो उस केस में आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर दें, डेटा को सेलेक्ट करें और यहीं पे आपको फॉर्मेट एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बगल में आता है फॉर्मेट एज टेबल या इंसर्ट में आपका आता है टेबल, कोई एक क्लिक कर लीजिए, दोनों सेम ही है। सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए तो ये आपका टेबल बन जाता है। फिर जब इसमें हम पिवट लगाते हैं, इंसर्ट पिवट करते हैं इंसर्ट, तो फिर वो एक डेटा पे नहीं उस टेबल, उसका एक नाम है टेबल टू, इस टेबल टू को रिपोर्ट करता है और इस पे डेटा लगता है। और जैसे नया डेटा आप ऐड करोगे टेबल अपना ये कर लेगा, टेबल जो है अपना इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेगा रेफरेंस को, या फिर नहीं करता है तो आप यहाँ कॉर्नर से इसको इंक्रीज करवा सकते हो एंड डिक्रीज करवा सकते हो। तो टेबल का यूज करने से आपका डेटा ऑटोमेटिक अपडेशन में आ जाता है, समझिए। कोई डाउट इसमें? नो और इसमें पिवट की कुछ खासियत बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? ये इसका यूज क्या है जो आपने अभी बताया इसका टेबल का? तो होता है क्या नहीं, जैसे डेटा आप तो होता है नहीं सर कि आप बार बार आप अपना डेटा अपडेट करते हो, मतलब कि नई डेटा ऐड करते हो। मान लो कि आपके कोई मंथली रिपोर्ट्स है, हर दिन की सेल्स, उसमें आप कॉपी पेस्ट हंड्रेड करते रिपोर्ट्स हो, कॉपी पेस्ट करते रहते हो हमेशा। जैसे आज आपकी सेल, करेक्ट आप कल की करेक्ट सेल है, कल आप 22 की सेल ऐड कर दोगे तो नीचे डेटा आ जाएगा ना हमारा नया, तो पिवट उसको कंसीडर नहीं करेगा ना। आप रिफ्रेश करने हाँ पे आपको हर दिन नहीं करेगा। चेंज चेंज डेटा सोर्स करना पड़ेगा एवरीडे। अच्छा रिसोर्स चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट करेक्ट। तो आप अगर डेटा को टेबल फॉर्म पे रख देंगे और जैसे डेटा को यहाँ पेश करेंगे, टेबल क्या करेगा अपना इंक्रीजमेंट ऑटोमेटिक इंक्रीज कर लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा टाइप करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे विजय टाइप किया और जैसे एंटर मारूंगा टेबल देखिए यहाँ पे, यहाँ नीचे तक आ गया। ओके सर, तो एक बार फिर से बताएंगे वो टेबल कैसे बनाया था हमने? टेबल बनाने का सिंपल है, कोई ऐसे बड़ी तोप नहीं है, बस डेटा को सिलेक्ट कीजिए इंसर्ट पे और टेबल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके नहीं, मतलब पीओट का जो आता है उसको ही सिलेक्ट करना। नहीं पिवट में नहीं जाना है, पिवट में नहीं जाना है हमें, पिवट अलग पार्ट हो गया, टेबल अलग पार्ट हो गया। पीवर्ड को नहीं तो फिर ऑटोमेटिक पीओट डेटा में देने कैसे में शो पीवर्ड, करना था फिर पीओट? जी जी क्या बोला सर ये आपने? अभी अभी सबने मेरा करंट अभी जो वो अकाउंट क्या ऑनलाइन था उसमें अभी मैं, हेलो, हम बोले क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलना था पता कि ये सिलेक्ट किसको करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है या प्योर चार्ट को सिलेक्ट नहीं करना है? डेटा को सिलेक्ट करना है सर, डेटा को सिलेक्ट करना है, पीवर्ड लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है और फिर पिवट लगाना है।
ओके, तो उसको टेबुलर फॉर्म में लेना है। हाँ पिवट लगाने से पहले डेटा को सिलेक्ट करके उसको टेबल बना देना है, उसके बाद उस डेटा पे क्लिक करके पिवट अप्लाई करना है। ओके ओके, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्रेश होते रहेगा। हाँ आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते हैं। तो ये हमारा पिवट का टॉपिक था जो कि आपके साथ हमने डिस्कस किया। आज की रिकॉर्डिंग में आपको भेज देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप फोन करके पूछ लीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो नोट पैड में नोट करके अगली क्लासेस में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। और रोशन जी मैं आपको फोन करता हूँ।